नमस्कार, अर्ली टाइम में आपका स्वागत है। इस वक्त हम वार्ड नंबर 31 के भवानी नगर के में मौजूद हैं। यहाँ पर कल रात एक चोरी की घटना हुई है और इस चोरी की घटना में बताया जा रहा है कि गोल्ड और कुछ कैश की जो है चोरी हुई है। एग्जैक्ट अभी हम बातचीत करके पता करेंगे कि किस तरीके से कैसे हुई है। अभी मैं आप विजुअल्स देख सकते हैं कि ये वो घर है यहाँ पर कल रात जो है ये चोरी की घटना हुई है। ये वो जगह है यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस यहाँ से उन चोरों ने जो है एंट्री की है। यहाँ पर कुछ एक नेट लगाई हुई थी, वो नेट को तोड़कर जो है इन्होंने यहाँ से इस घर में वो आए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये दरवाज़ा है, जिस दरवाज़े को जहाँ लॉक को तोड़ा गया आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से जो है यहाँ पर लॉक तोड़कर जो है उन्होंने वो चोर जो है अंदर घुसे हैं। हाँ, तो घुसे हैं और ये वो कमरा है कि यहाँ पे है। आप देख सकते हैं कि कैसे जो टीवी के नीचे जो उसका कैबिनेट होता है उसको खोलकर किस तरीके से यहाँ पर तलाशी की गई है ताकि जो भी चीज़ उनको वैल्यूएबल मिले वो ये चोरी कर सके। और यहाँ इसको करने के बाद ये इस घर के बेडरूम का आप दृश्य देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है पूरी अलमीरा को खोलकर हर एक एक सामान को जो है बाहर निकाला गया है और जो भी उनको मिला वो लिया। हालांकि अभी कुछ पता चला है कि कुछ गोल्ड और नकदी जो है वो चोर लेकर फरार हुए हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है दोनों पूरे अलमीरा के दोनों कैबिनेट खोलकर दरवाजे खोलकर हर एक सामान को कैसे उन्होंने निकाला है। और सेफ भी आप देख सकते हैं यहाँ से, उस सेफ को तोड़कर कुछ कैश और गोल्ड था और मोबाइल फ़ोन भी थे, कुछ एटीएम भी। जी, आप देख सकते हैं यहाँ कि वे जो है एक ट्रंक भी था इनके घर में जिसे पूरी तरह से तोड़ कर उसमें से हर एक एक चीज़ को देखा गया। जिनके घर ये चोरी हुई है उनके परिवार के सदस्य इस समय हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर ये पूरी घटना क्या है। सबसे पहले आप अपने नाम से बताएं कि जिनका घर है और फिर ये घटना के बारे में थोड़ा आप खुद बताएं कि क्या चोरी हुई है, कैसे आपको पता चला। मेरा नाम शारदा है, ये मेरी भतीजी है, ये इनके इसी के घर में चोरी हुई है। ये शाम को यहाँ से 8 बजे जाती है अपने यहाँ मदर के घर, थोड़ा छोटा सा फंक्शन रखा था, मैं भी इधर से साथ में ही इसके गई हूँ। हम 3-4 पर्सन थे, ये इनकी मदर इन लॉ है, ये भी हमारे साथ गए। 8 बजे हम यहाँ से जाते हैं, ये 10 मिनट का रास्ता यहाँ इनकी मदर रहती है, तो वो फंक्शन अटेंड करके हम 11 बजे वापस आते हैं। तो उतने उसी एक दो घंटे में ये वारदात हुई है। जब हम आए ये लॉक ये आए ना, मैं यहाँ से नीचे चली गई ना घर के लिए, ये आए आगे लॉक टूटे हुए थे, तो इन्होंने आके देखा सारा सामान बिखरा हुआ है। तो अंदर आके इनको पता चलता है कि इनका गोल्ड सारा मिस है और 50,000 रुपये कैश है वो भी चला गया है, 9 तोले के करीब सोना है जो ले गए हैं वो। तो आप ये देखो इस घर में जो इंसान होता है वो किस तरह मेहनत कर करके पाई जोड़ के घर के लिए ये बनाता है। तो ये जो आजकल इन इतना गवर्नमेंट वो नहीं कर रही है, कोई भी चीज़ जो सेफ़ नहीं है। ये अगर हम तो ये शुक्र करते हैं कि ये घर पे नहीं थे, क्योंकि आजकल लोग चोरी के लिए मर्डर भी कर देते हैं, मार भी देते हैं। छोटा सा बच्चा था, ये थी इनकी मदर इन लॉ थी, हमें तो वो भी डर था अगर ये होते तो हो सकता है कुछ ज़्यादा दुर्घटना घटती। तो एक इनके हस्बैंड आर्मी पर्सन है, वो देखो सरहद पर हम लोग आम पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं और उन्हीं के फैमिली को यहाँ लोग लूट रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। एक हमारे कॉरपोरेटर साहब ने हमारा बहुत साथ दिया, 11 बजे जब उसी वक्त हमने कॉरपोरेटर साहब को फ़ोन किया, वो उसी वक्त तुरंत आए और उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस भी तुरंत आ गई और पूरी कार्रवाई कर रही है, वो हमारा साथ दे रही है। लेकिन हमारी यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी हमारा गोल्ड और हमारा कैश वापस आ जाए, क्योंकि बड़ी मेहनत से पाई करके हमने जोड़ा है।